एक छोटे से गांव के पास एक हवेली खड़ी थी जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह कहानी उस हवेली के आसपास के कुछ लोगों की है जो इसे घेरे में डाले गए रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुना करते थे। गांव के एक युवक राजू ने एक रात अपने दोस्तों के साथ निर्णय लिया कि वे भूतिया हवेली में एक रात बिताएंगे। वे सभी जिद पर ठाने रखे और अगले हफ्ते हवेली की ओर रुक कर चले। हवेली की दीवारें उच्च थीं और उसकी खिड़कियां अश्वस्त थीं। जब रात का समय आया तो राजू और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़े। वे अंधेरे में घुसे और खिड़कियों के माध्यम से हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भूतिया था। दीवारों से कई सारी छायाएं बड़ी ही भयंकर दिखाई दीं और हर छोटे से कोने में आवाजें सुनाई दीं। राजू और उसके दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। एक कमरे में से एक अजीब सी आवाज आई जो उन्हें बुला रही थी। कौन है वहां? राजू ने अपनी आवाज से कहा। आवाज का उत्तर देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कुछ उनकी पीठ पर छू रहा है। वे पलटे और देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवेली में चल रहे अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। एक कमरे के बाहर एक अंधेरे से बड़े दरवाजे खुल गए और वहां से एक पुराने युवक की आवाज आई। तुम्हें यहां क्या करने का हक है? राजू और उसके दोस्त डर के मारे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वे सिर्फ यहां कुछ खोजने आए हैं। युवक ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह इस हवेली में अकेला रहता है और यहां पर कुछ अत्यंत अजीब घटनाएं होती हैं। उसने कहा, रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अब मैं यहीं बंदरूद पर रहता हूं। राजू और उसके दोस्तों को भी आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ बहाना माना। वे युवक के साथ रात बिताने का निर्णय लिया, लेकिन रात के समय हुए घटनाओं ने उन्हें भी हड़कंप में डाल दिया। हवेली में आवाजें बढ़ती गईं और वे सभी तीव्र भय में भागे। जब वे बाहर निकले तो वे देखा कि हवेली की दीवारों से आवाजें आ रही हैं, जैसे कि कोई दरवाजा खुला हो रहा हो। राजू और उसके दोस्त भागते भागते हवेली से बाहर निकल आए और वहां से कभी नहीं लौटे। उनकी आंखों में भय की झलक थी और वे कभी भी वहां वापस नहीं गए। हवेली के बारे में यह कहानी गांव के लोगों के बीच बड़ी पॉपुलर हो गई और कहानी का नाम भूतिया हवेली हो गया। इसके बाद से कोई भी वहां नहीं जाता और हवेली को रहस्यमय स्थान माना जाता है, जहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और भूत घूमते हैं।